हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यस विंग के वीडियो में। यस विंग के क्वार्टर थ्री रिजल्ट देर काफ़ी लेट यहाँ पे जारी हुए हैं और आपको बता दें यस विंग को क्वार्टर थ्री रिजल्ट में काफ़ी बड़ा झटका लगा है। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे लॉस दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेट इनकी जगह प्रॉफिट की बात करें तो 18,500 करोड़ का इनको लॉस हुआ है नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इनको घाटा हुआ है। पिछले साल समान अवधि में इनको 1,000 करोड़ के लगभग प्रॉफिट था, जो कि इसी समान अवधि में एक साल बाद में 18,000 करोड़ का लॉस है। और पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनको पिछले क्वार्टर में मात्र 600 करोड़ के आसपास इनको लॉस था, जो कि अब ये आगे के आज अभी जो क्वार्टर आए दिसंबर में, ये बढ़कर देख सकते हैं 18,500 करोड़ का लॉस हो चुका है। अगर मैं इनके जो ग्रोस एनपीए की दोस्त में बात करूं तो देख सकते हैं, जो पहले 7.5% के लगभग थे, वो बढ़कर 18.5% यानी 19% के आसपास चले गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है क्वार्टर थ्री रिजल्ट के अंदर ये इसमें जो यस बैंक ने प्रजेंट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं सारी बात जो मैंने बताई है यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने पहले रीड करके आपको बताई है। 1,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट था, जो कि पहले जो समान अवधि में एक साल पहले ये बढ़कर 18,500 करोड़ का लॉस हो चुका है, पहले प्रॉफिट था। और अभी जो सितंबर में आपको पता 629 करोड़ का लॉस था, वो लॉस अब बढ़कर देख सकते हैं 18,500 करोड़ का लॉस हो चुका है। लेकिन अब इसी को मैं प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइड जो मैं BSE की जो मेन लेटर है वहाँ पर वो भी मैंने निकाल रखा है। और ये देख सकते हैं इस साइड पे भी यस बैंक का जो पूरा बाकायदा जो यहाँ पे लिखा हुआ था हिंट के द्वारा, ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। यस बैंक नेट लॉस देख सकते हैं 18,500 करोड़ का लॉस हुआ है, और जो कि पिछले समान अवधि में यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनका ग्रोस NPA 7% से कितना बढ़ चुका है, 18.5%, और नेट NPA की बात करें तो वो 4.5% से 6% के लगभग यहाँ पे बढ़ चुका है। यानी कि हालत बहुत ही खराब, इसको मैं खराब कहूँगा दोस्तों रिजल्ट को, बहुत ही खराब रिजल्ट पे है। हालांकि इसका सोल्यूशन अभी आपको मैं आप इसी में बता दूंगा, क्या इसमें सोल्यूशन देखने को मिलेगा, यस बैंक में करे क्या, ठीक है। यही बात दोस्तों, मैं BSE की अगर मैं साइड पे जाऊं तो BSE के लेटर भी यहाँ मेरे पास है, शायद वो BSE के लेटर भी आपको मैंने दिखाया था, जो इस मतलब इस स्लाइड से चला गया है वो, लेकिन BSE का लेटर मैंने निकाल लिया है और यकीन नहीं तो अभी आपके सामने और दोबारा मैं निकाल दूँगा यहाँ पे BSE का लेटर। वन मिनट थोड़ा वेट करें, मैं BSE का लेटर भी आपको यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने BSE का लेटर ये निकाल लिया है, जो कि BSE ने देख सकते हैं यहाँ पे ये 14 मार्च को ये अपलोड किया था, और ये सॉरी दोस्तों, यस बैंक ने ही BSE और NSE दोनों को यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्म किया है 14 मार्च को यहाँ पे रिजल्ट के बारे में, जो कि काफ़ी अब इसको 6:30 बजे का समय था कि 6:30 बजे तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन 6:30 बजे पहले तो घोषणा नहीं कर सकते थे। 6:30 के बाद में इन्होंने 2-4 घंटे देरी की, फाइनली इन्होंने रिजल्ट पेश किए, तो काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं। तो इनका मैं सारा जो आपका पूरा निचोड़ वो नेट प्रॉफिट वाला निकाल लेता हूँ। ये तो रूल्स है क्या क्या है अंडर सेबी के अंदर, ये सारे जो हैं वो रूल्स तो आपको पढ़ते रहना, ठीक है। आपको मैं मेन जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो आपको दिखा देता हूँ फाइल, थोड़ा वेट करें यहाँ पे, क्योंकि ये PDF फाइल है और 18 पेज की PDF फाइल है, तो इसको लोड होने में समय लग रहा है। आ चुकी है दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें, इस सेगमेंट में नहीं है वो। ये देख सकते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 12-13, यानी कि जो 12-13 का ये 12 नंबर 13 नंबर का जो कॉलम है, इनमें प्रॉफिट पहले जो टैक्स के पहले जो हो रहा था, टैक्स के बाद जो हो रहा था, यानी कैलकुलेशन करके अपन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो देख सकते हैं वो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस। देखो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, माइनस यहाँ पे आगे लगा दिया है, तो 18,500 करोड़ के लगभग यहाँ पे भी वही लॉस दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 18,500 करोड़ का यहाँ पे इनको लॉस हुआ है, तो तगड़ा यहाँ पे लॉस हुआ है। अब यस बैंक के दोस्तों, यहाँ पे मैं चार्ट पे नज़र डालूँ तो यस बैंक का चार्ट यहाँ पे जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, यस बैंक का चार्ट थोड़ा सा वेट करें, यस बैंक का चार्ट। यस बैंक में देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मंडे को आपको मैं बता दूँ, अभी एक और मैं न्यूज़ से कन्फर्म कर दूँगा कि मंडे के जो लॉक इन जो पीरियड रखा गया है, ठीक है, वो अभी अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग यहाँ पे पॉइंट निकल
जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर थ्री रिजल्ट का जो इफेक्ट यहाँ पे येस बैंक में दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल, यहाँ पे अगर मैं येस बैंक के क्वार्टर थ्री रिजल्ट को और यहाँ पे जो सरकार का जो लुकआउट यहाँ पे देखने मिला है, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नए के बराबर, यानी कोई इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। फिर भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि 18,000 करोड़ का यहाँ पे घाटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ऑपरेटिव गेम यहाँ पे देखने को मिल सकता है लोगों को यहाँ पे डराने के लिए। यहाँ पे श्योर फिर जो रैली दिखाई देगी वो लगभग आपको पता है यहाँ पे 16 रुपये के आसपास ही दिखाई दे सकती है, उसके नीचे येस बैंक में जाने की संभावना कम लग रही है। फिर भी देखो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कि इसमें फास्ट रिकवरी दिखाई देगी जो कि लगभग वापस ही इसको ब्रेक करेगा 30 रुपये को आसपास ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और जैसे 30 रुपये ब्रेक होगा येस बैंक में दोस्तों टेक्निकल चार्ट के माध्यम से पावरफुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन देखने को मिलेगी, जो कि येस बैंक में 40-50 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1-2 दिनों की बात है दोस्तों ये, क्योंकि वोलेटाइल होगा, इसमें काफ़ी पैसा येस बैंक डालने वाले हैं। अगर बाई दफा इसमें अगर आप जो अब जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके लॉक इन पीरियड किया गया है या नए शेयर होल्डर्स के द्वारा लॉक इन पीरियड किया गया, तो मैं आपको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग आ रहा है कि पुराने शेयर होल्डर्स पर भी लागू है। अब एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि नहीं, वो नए शेयर होल्डर से लागू होगा, तो मैं दोस्तों नया वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो नए पे लागू है या पुराने पे लागू है। मिलता हूँ दोस्तों वीडियो में, यस पे दोस्तों मंडे को बड़ा उठापटक होगी, ध्यान देंगे। इसमें इंट्राडे अगर आपको करना है तो आपके मन से दोस्तों कभी ना करें, इंट्राडे दोस्तों एसएस मार्केट न्यूज आपके लिए बैठा तैयार बैठा है। यस पे चाहे 5 आए तो भी आपका पैसा यहाँ पे 299% दोस्तों बनने वाला है। यस पे 50 जाएगा तो भी आपका पैसा 99% यहाँ पर बनने वाला है। लाइव को दोस्तों कहाँ से देने एसएस मार्केट न्यूज जाने, तो आपको दोस्तों ग्रुप ज्वाइन किया भी कर लीजिए दोस्तों। बार बार मेरे से वही चार्ज फीस की बात करें तो फीस दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आपको पूरे मंथ सेवा फ्री दी जाती है। आप वैसे भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, ब्रोकर चार्ज आप डेली अपने ब्रोकर को डेली 1000 रुपये चार्ज देते हैं, और पूरे मंथ में क्या पता कितनी 1000 रुपये उनको चार्ज दे देते हैं, क्या पता कितने 10-15-20-50 हज़ार। एक बंदे से मैंने बात की, उन्होंने बताया सर मैं तो 1,00,000 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको जो आप डेली का ब्रोकरेज चार्ज देते हैं डेली का, उस ब्रोकरेज चार्ज का भी दोस्तों बहुत ही कम दोस्तों छोटी सी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, सिर्फ एक दिन, और बाकी दोस्तों आपके पूरे मंथ दोस्तों सेवा फ्री दी जाती है, बड़ी प्रॉफिटेबल कॉल दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।